सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। ग्रेजुएशन लेवल वाले क्वेश्चंस में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 63। एक कण सरल आवर्त गति से गतिमान है जिसका आवर्तकाल टी है, तो महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय है। अगेन, ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज ए पीरियड टी, देन द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इज। तो आपको टाइम पीरियड पूछा है, कितना महत्तम विस्थापन से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में कितना समय लगेगा। तो देखिए, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा हो, सपोज ये ए है, ये सेंटर ऑफ मोशन है और ये ए डैश है, और यहां से यहां तक दूरी ए है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है एक्स डबल नॉट बराबर माइनस म्यू एक्स। टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2π अपॉन अंडर रूट म्यू, और महत्तम विस्थापन से केंद्र की ओर आते समय जो x और t में संबंध होता है वो है x इक्वल टू a cos ऑफ अंडर रूट म्यू टी। ये बेसिक रिलेशन है। और एक किसी भी टाइम पर वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन b स्क्वायर इक्वल टू म्यू टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जिन लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी है वो ये सारे रिजल्ट याद होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डबल नॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π अपॉन रूट म्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन से सेंटर की ओर आते समय x और t में रिलेशन x इक्वल टू a cos ऑफ अंडर रूट म्यू टी, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है वो a है, जो एम्पलीट्यूड होता है आयाम होता है वही आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और किसी भी समय पर डिस्टेंस और वेलोसिटी में रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप मैक्सिमम टाइम जो टाइम पीरियड दे रखा है आवर्तकाल वो कैपिटल टी दे रखा है, कैपिटल टी की वैल्यू होती है 2π अपॉन रूट म्यू। आपको क्या निकालना है, महत्तम विस्थापन से आधे, तो अगर महत्तम विस्थापन की पोजिशन ये ए डैश है, यहाँ से आधे यानी कि ये ए बाई टू दूरी चली, तो सेंटर से दूरी भी ए बाई टू हो गई, तो एक्स वाले रिलेशन में रखा आपने x इक्वल टू ए कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी, वहां लिख दिया x बराबर ए बाई टू। आपको टाइम लेना है कि ए बाई टू डिस्टेंस में कितनी दूरी कितना समय लगा आपको, तो महत्तम विस्थापन से जब आधी दूरी आ गई तो सेंटर से भी दूरी आधी हो गई ए बाई टू, यहां हो गया a कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू, टाइम मान लेते हैं टी वन टाइम लगा, a कैंसिल हो गया, इट मीन्स cos ऑफ अंडर रूट म्यू टी वन इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज टी वन अंडर रूट म्यू टी वन इक्वल टू 5/3, cos ऑफ एंगल 1/2, एंगल इक्वल टू 5/3। दिस इंप्लाइज टी वन इक्वल टू 1/3 पाई अपॉन रूट म्यू, लेकिन आपको टाइम पीरियड जो ये टाइम लेना है वो टाइम पीरियड कैपिटल टी की टर्म में लेना है, तो इसको आपने क्या किया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे 1/6 2π अपॉन अंडर रूट म्यू, और 2π अपॉन अंडर रूट म्यू टाइम पीरियड है। दिस इंप्लाइज टी वन इक्वल टू कैपिटल T/6। तो ये फोर्थ आंसर आ गया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आंसर सहित आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में आता ही रहता है। दोबारा से, कोई भी पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है और आपको टाइम पीरियड दे रखा है कैपिटल टी, तो आपको ये पता करना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन से सेंटर की ओर आते समय आधे आयाम के बराबर दूरी चलने में कितना समय लेगा। तो आपने जैसे ओ सेंटर ऑफ मोशन है, ए डैश मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है, तो वहां से जब वो ए हाफ डिस्टेंस चलेगा यानी कि ए बाई टू डिस्टेंस कवर कर लेगा,
तब सेंटर से डिस्टेंस भी एक्स ए बाई टू होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ए है, आधी कवर कर ली, तो ए बाई टू। तो अब जो समीकरण था एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी, उसमें एक्स इक्वल टू ए बाई टू रख दिया, एक्स इक्वल टू ए बाई टू रख दिया और टाइम एज्यूम कर लिया कि वो टी वन टाइम लगता है। तो इक्वेशन ए बाई टू इक्वल टू ए कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी वन, यहाँ से कॉस ऑफ एंगल वन बाई टू है तो एंगल पाई बाई थ्री आ गया, यानी टी वन इक्वल टू वन बाई थ्री इंटू पाई अपॉन रूट म्यू आ गया। लेकिन आपको ये टाइम लेना था, टाइम पीरियड कैपिटल टी की टर्म में, तो आपने क्या किया, टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, टू से नीचे, तो वन बाई थ्री इंटू टू, ये थ्री इंटू टू वन बाई सिक्स हो गया, टू से ऊपर मल्टीप्लाई किया टू पाई अपॉन रूट म्यू, टू पाई अपॉन रूट म्यू यही टाइम पीरियड है, तो टी वन इक्वल टू टी बाई सिक्स। सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आंसर सहित याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला क्वेश्चन। एक कण सरल आवर्त गति से एक सरल रेखा पर गतिमान है, जब कण की केंद्र से दूरी x1 और x2 है तो इसका वेग क्रमशः v1 तथा v2 है, तो गति का आवर्तकाल होगा। अगेन ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज वेलोसिटीज v1 एंड v2 व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स वी x1 x2 रेस्पेक्टिवली देन द पीरियड ऑफ मोशन इज। टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड आप जानते हैं 2 पाई अपॉन रूट म्यू। टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो बस अगर ये रूट म्यू की वैल्यू आ जाती है तो आप इसमें रख देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू, और किसी भी समय किसी भी पोजीशन पर जब उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मोशन से डिस्टेंस x और वेलोसिटी v हो, तो रिलेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इसी को काम में ले लेते हैं, समीकरण बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से की सहायता से यूजिंग द इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है। जब वो ये गतिमान है और केंद्र से दूरी, सेंटर ऑफ मोशन से दूरी x1 है तो वेलोसिटी v1 दे रखी है, x2 है तो वो वेलोसिटी v2 दे रखी है। तो एक बार तो v1 लिख दिया v के लिए और x के लिए x1 लिख दिया, एक इक्वेशन हो गई। और फिर x2 डिस्टेंस पर वेलोसिटी v2 है, तो ये v2 स्क्वायर बराबर म्यू टाइम्स a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये सेकंड हो गई। आपको तो म्यू की वैल्यू लेनी है, तो फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ गया बी वन स्क्वायर माइनस, या सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक ही बात है, सेकंड माइनस फर्स्ट से, तो आपने किया तो यह आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दिस इक्वल टू म्यू टाइम्स ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस x2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू आपके पास आ गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब सिंस टाइम पीरियड इक्वल टू टू पाई अपॉन रूट म्यू, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड टी इक्वल टू टू पाई अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू तो है आपके अपॉन रूट म्यू, म्यू है आपके पास बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। तो ये नीचे लगा दिया, नीचे लगाएगा रेसिप्रोकल हो गया, तो ऊपर तो आ गया आपके पास अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, और नीचे आ गया बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर। मतलब सिंपल आपको ये पता है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल के एक्स और बी में क्या रिलेशन है, और टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड है आपके पास टू पाई अपॉन रूट म्यू, तो रूट म्यू की आवश्यकता थी। B और X में रिलेशन आपको याद था, तो वो इक्वेशन ली, एक बार X बराबर X1 B बराबर V1 लिखा, X बराबर X2 B बराबर V2 लिखा,
किसी भी एक समीकरण से दूसरी समीकरण सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू आ गया अपने पास बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, अंडर रूट म्यू, अंडर रूट म्यू लगा देंगे, और टाइम पीरियड टू पाई अपॉन रूट म्यू वैल्यू रख दी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझना है, और ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल नहीं है सारे दो दो तीन तीन बार कर लेने हैं, जो आंसर अपने आप लर्न हो जाएगा, आंसर रटना नहीं है, क्वेश्चन को कई बार करना है जिससे आंसर याद हो जाए। तो ये टाइम पीरियड आ गया टू पाई अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर अपॉन बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। यदि एक कण का सरल आवर्त गति में किसी कण किसी क्षण क्रम से विस्थापन वेग तथा त्वरण एक सेंटीमीटर, यानी कि विस्थापन एक सेंटीमीटर है, वेग एक सेंटीमीटर पर सेकंड है तथा त्वरण एक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अधिकतम कण का अधिकतम वेग है। अगेन इफ द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रेस्पेक्टिवली वन सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर पर सेकेंड, वन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछिए। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली समीकरण थी, उसी को यूज करके इसका आंसर लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी को नमस्कार।